आई होप सो आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। मेरी तो अच्छी नहीं चल रही। DDS के सिलेक्शन में प्रॉब्लम चल रही है। जैसे ही 2 तारीख आई मुझे फीवर हो गया, फिर अनहोनी होगी। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, मुझे ट्रांसवर्स माइलाइटिस डिजीज डायग्नोस हो गई एंड उसकी वजह से मेरे भी दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं फिलहाल अभी। बट वहाँ पर जाकर उन्होंने कुछ सीन ही पलट दिया। सुपरिटेंडेंट बहुत बेकार था यार, वो माना ही नहीं। वो बोला भाई अभी 10 दिन के अंदर ज्वाइन करवा रहे हो तो ठीक है, वरना हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, आप घर पे जाओ। श्री कृष्ण ने पूछा कि कुछ ऐसी चीज बताओ, खुशी के टाइम पे तो घमंड ना हो, बुरे टाइम पर मुझे हौसला मिले। फिलहाल तो यही हौसले वाली बात है, चल फिर नहीं सकता, कीप सपोर्टिंग। ओके फैमिली। सो हे फैमिली, कैसे हो आप सभी? बढ़िया? मैं ही बढ़िया हूँ। आई होप सो आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। मेरी तो अच्छी नहीं चल रही, बट कोई नहीं, जैसा भी है चलता रहता है, लाइफ है, ऐसा ही होता है। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ DDS के सिलेक्शन में प्रॉब्लम चल रही है। तो 16 सितंबर को मेरा GDS का इंटीमेशन लेटर आया था कि मुझे 24 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है। एंड मैं 24 को गया चूरू, मेरा हेडक्वार्टर था, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ जमा कराए। डॉक्यूमेंट में मैंने 10वीं की DMC, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट ये जमा करवाया था एंड आधार कार्ड वगैरह, ये तो होता ही है। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिए थे जो कि मेरे को कंप्लीट करके वापस जमा कराने थे। उसमें जैसे हेल्थ सर्टिफिकेट होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट होता है वगैरह वगैरह, ये सब थे। मैंने उनको बोला था कि मेरा 31 को एग्ज़ाम है, 31 सितंबर को मैं 1 या 2 को आ जाऊँगा। तो 2 तारीख आई एंड जैसे ही 2 तारीख आई मुझे फीवर हो गया एंड वो फीवर लगभग 10 दिन चला मेरा। तो उस टाइम तो मैं वो डॉक्यूमेंट कम्प्लीट भी नहीं करवा पाया। एंड फिर मैं प्राइवेट बैंक में जॉब करता था, तो 3-4 दिन की मैंने छुट्टी ले ली थी, तो उसके बाद मैं छुट्टी भी नहीं ले सकता था वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए। मेरे चाचा जी का सेक्टर में घर बन रहा था, तो मैंने सोचा था कि भाई उनका फंक्शन था 20 तारीख को, मैंने सोचा था 21 को जाऊँगा, डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने कंप्लीट करवा लिए थे, वो दे आऊँगा। बट फिर अनहोनी होगी। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, तो मुझे ट्रांसवर्स माइलाइटिस डिजीज़ डायग्नोस हो गई एंड उसकी वजह से मेरे भी दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं फिलहाल अभी। सो मैं चूरू नहीं जा पाया डॉक्यूमेंट के लिए। देन 25 को उनका फ़ोन आया कि आपने डॉक्यूमेंट नहीं जमा करवाए और ऐसे ऐसे बातें मैंने उनको बता दिया। तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी हमने कोई लेटर भेजा हुआ है, वो लेटर आने के 10 दिन के अंदर आप डॉक्यूमेंट जमा करवा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो वो आया 1 नवम्बर को, 1 नवम्बर को वो लेटर आया एंड हम चले गए 7 तारीख को डॉक्यूमेंट लेकर, बाई हैंड चले गए, मेरे दादाजी और चेतन गया था भाई। बट वहाँ पर जाकर उन्होंने कुछ सीन ही पलट दिया। क्या करें, वो बोले कि भाई अभी तो ना हम सीधे ज्वाइन नहीं करवाने वाले थे, मतलब कि अभी ये डॉक्यूमेंट होते हैं उसके बाद ट्रेनिंग शुरू करवा देते साथ ही साथ में, बट मेरी इस हालत में तो वो पॉसिबल नहीं है। सो हमने क्या किया था, हमने जो मेरा होली हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था उसका मेडिकल बनवा लिया था कि भाई 2 महीने तक मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, बेड रेस्ट की, क्योंकि काफ़ी लंबा इलाज चलने वाला है, तो लगभग 2-3 मंथ लग जाते, इतना हो जाता कि 2 मंथ में मैं खुद के पैर पर खड़ा हो जाता, इतना फ़र्क पड़ जाता। बट हाँ, का जो क्लर्क था वो तो बहुत अच्छा था, बट सुपरिटेंडेंट बहुत बेकार था यार। मैंने तो नहीं देखा बट भाई चेतन गया था तो वो बता रहा था, वो माना ही नहीं। वो बोला भाई अभी 10 दिन के अंदर ज्वाइन करवा रहे हो तो ठीक है, वरना हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो चेतन का फ़ोन आया, मैंने बोला कि भाई कोई नहीं, मैं ट्रेनिंग तो कर लूँगा, ट्रेनिंग करने में क्या है, वहाँ पे रह लेंगे 10 दिन, रह लेंगे, एक जना मेरे साथ रह लेगा। तो चेतन ने उसे बात की, जब चेतन सुपरिटेंडेंट के कमरे में था तब तो वो मान गया भाई हाँ ऐसे ऐसे ठीक है, कोई नहीं करवा देंगे। लेकिन फिर चेतन को बाहर भेज गए, उनकी बात हुई कुछ, उन्होंने मना कर दिया भाई ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ट्रेनिंग करा दी तो फिर उनको ज्वाइन भी करवाना पड़ेगा और ज्वाइन मेरी इस हालत में करवा नहीं सकते थे। क्लर्क ने तो ये सजेशन दिया था कि भाई ट्रेनिंग कर लो उसके बाद ज्वाइन करवा देंगे और 2 महीने की लीव मिल जाएगी विदाउट पे की, जॉब नहीं जाएगी, बट वो नहीं माना। तो उसके बाद वहाँ से तो उन्होंने मना कर दिया। फिर क्लर्क ने एडवाइस दिया कि आप घर पे जाओ एंड बाय हैंड जो ये सारे डॉक्यूमेंट है ना वो पोस्ट करवा दो। पोस्ट करने से क्या होगा कि वहाँ पे जो उनके पास ना सबूत आ जाएगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे आए हैं। अब वो बाय हैंड तो हम देख गए थे ना, उससे तो कोई सबूत नहीं था, लेकिन जब पोस्ट जाएगी तो उनके बकायदा रिकॉर्ड में चढ़ेगी एंड फिर वो कुछ जवाब देंगे, फिर हमारे पास वो लेटर आएगा, उनका लगभग 10-20 दिन चले जाएंगे, फिर हम कुछ जवाब देंगे। तो इसमें मेरे को 1 मंथ मिल जाएगा लगभग। तो देखो अभी वो
पोस्ट तो कर दी हमने, आज शायद चौथा दिन हो गया पोस्ट किए उनके पास, कल या परसों में पहुंच जाएगा। सो देखो क्या होता है। यही है यार, वैसे एक बात है कि किसी ने श्री कृष्ण से पूछा कि कुछ ऐसी चीज़ बताओ जिससे मुझे खुशी के टाइम पे तो घमंड ना हो एंड बुरे टाइम पर उस बात को देख कर या सुन कर मुझे हौसला मिले। तो श्री कृष्ण ने बोला था कि ये समय भी बीत जाएगा। जैसे हमें खुशी होती है तो खुशी में हमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, घमंड होता है कि हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन वो बात पढ़कर हमें महसूस होगा कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। एंड जब बुरा टाइम चल रहा होता है तो हमें हौसले की ज़रूरत होती है, तब वो बात पढ़कर कि ये समय चला जाएगा हमें हौसला मिलेगा। सो फिलहाल तो यही हौसले वाली बात है, ये बुरा टाइम भी चला जाएगा। और तो क्या, काफ़ी बोरिंग लगा हुआ आपको ये व्लॉग, बात क्या करूँ, सिचुएशन यही है, चल फिर नहीं सकता, कुछ बना नहीं सकता, जो है यही है। जैसे ही आगे कुछ अपडेट आता है तो आपको बता दूँगा। एंड तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप सपोर्टिंग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके फैमिली।